नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड समेत देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। बोकारो के इस्कॉन मंदिर जलकर खाक, हंस मंडप के मोटर रूम में लगी आग, फैली 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नीति आयोग की टीम देर शाम आएगी रांची, कल प्रोजेक्ट भवन में होगी समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात, 15 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। कांवरिया वाहन का एक्सीडेंट, बिहार के एक कांवरिये की मौत, 4 की हालत गंभीर। रांची समेत कई जिलों में 14 जुलाई तक छाए रह सकते हैं बादल, रुक रुक कर हो सकती है बारिश। पलामू में शिवेंद्र कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया। झारखंड के 24 जिलों में जल्द शुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर, 17 जुलाई तक विभाग ने कोच के लिए मांगा आवेदन। बैद्यनाथ धाम की पंचकोसी परिक्रमा है जरूरी, हाजिरी लगाए बिना बाबा धाम की यात्रा अधूरी। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, www.jssc.nic.in पर करें रजिस्ट्रेशन। जेएससी ने दी बड़ी खुशखबरी, सीजीएल में इन उम्मीदवारों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट, आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई तक। देवघर में सेटलमेंट अफसर ने एएसओ के आदेश को किया रद्द, गलत तरीके से खाता खोलने का मामला। झारखंड के पलामू में शादीशुदा प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को मारा, भाइयों ने दिया साथ, जंगल में दफनाया शव। अपने ही आदेश का राजभवन ने किया उल्लंघन, चतरा कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य नियुक्ति मामले में नियम का पालन नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने सीसीएल सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी से की मुलाकात। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में रांची के 10,590 विद्यार्थी हुए सफल। रांची के बुंडू में धान व्यापारी को अपराधियों ने मारी 2 गोली, पुलिस जांच में जुटी। एसीबी की टीम ने हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के झुरझुरी पंचायत के मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। झारखंड के राज्यपाल से भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। लोहरदगा में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, मालिक और चालक गिरफ्तार। धनबाद में वाहन के चपेट में आने से आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत। विश्व जनसंख्या दिवस आज, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और एएनएम को किया सम्मानित। रांची हर वार्ड में तय समय पर घरों से उठेगा कचरा, शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कयावद शुरू। रांची में राजीव गांधी की प्रतिमा लगाएंगे भाजपा के विधायक, इसकी तैयारी कर ली गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर गर्जे, अपने विभाग में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर दंडनात्मक कार्रवाई करने का दिया निर्देश। धनबाद जज उत्तम आनंद की हत्या, लार्जर कॉन्स्पेरेंसी इंटरपोल की मांगी मदद, सीबीआई ने कोर्ट को बताया। रांची के सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर निर्माण को लेकर रास्ता साफ, रेलवे ने दी अनुमति। आदिवासियों द्वारा यूसीसी का विरोध करने पर बोले राज्यसभा सांसद समीर उरांव, जनजातीय को मिलते रहेंगे विशेष अधिकार। मानसून की बेरुखी ने किसानों की बढ़ाई चिंता, सरायकेला खारसावां के खेतों में सूखने लगे धान के बिचड़े। धनबाद में आग उगलते गोप में गिरा बुजुर्ग, बुरी तरह झुलसा। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के अंगभूत कॉलेजों में यूजी में दाखिले के लिए जल्द करें आवेदन, इस दिन से शुरू होगी कक्षाएं। देवघर के श्रावणी मेला में अपराधियों ने की हवाई फायरिंग, लोगों में दहशत। पलामू में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से उड़ाए 21 लाख रुपए। अब जानते हैं देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में। बंगाल पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, नदिया में भीड़ ने पुलिस को पीटा, मालदा में बैलेट बॉक्स लेकर भागा शख्स। आरएसएस प्रचारकों की 13 जुलाई से ऊटी में 3 दिवसीय बैठक, संघ प्रमुख भागवत शामिल होंगे। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्ति का आदेश दिया, 31 जुलाई तक पद पर रह सकेंगे मिश्रा। 5 राज्यों में भारी बारिश, 72 घंटे में 76 मौतें, उत्तराखंड में एमपी के 4 पर्यटकों की जान गई, हिमाचल में 500 लोग फंसे, दिल्ली में बाढ़ का खतरा। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को रेगुलर सुनवाई, केंद्र ने नई एफिडेविट में कहा आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना।
सेंसेक्स 373 अंक चढ़कर 65,617 पर बंद, निफ्टी भी 83 अंक चढ़ा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी रही। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किया ITR। 31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना। दलित को मंदिर में जाने से रोका, मद्रास हाईकोर्ट बोला इस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, छुआछूत की इजाजत नहीं दे सकते। गुढ़ा बोले माँ सीता के पीछे राम रावण दोनों पागल थे, कहा आजकल गहलोत और पायलट मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझ में कुछ तो क्वालिटी होगी। नसीरुद्दीन शाह की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट SDM ने रोका, कहा 53 साल बाद जरूरत क्यों, अभिनेता ने AMU प्रोफेसर से कराया था आवेदन। गाजियाबाद एक्सप्रेस वे पर हादसा, परिवार के 6 लोग की मौत, इनमें 3 बच्चे, रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस से टकराई कार। रेसलर्स यौन उत्पीड़न केस, 4 सीट में नया खुलासा, दिल्ली पुलिस ने कहा ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों से छेड़छाड़ की, केस चलाया जाए और सजा मिले। एक मंच पर आएंगे मोदी, शरद और अजीत पवार, 1 अगस्त को पुणे में होगा कार्यक्रम, PM को लोकमान्य तिलक सम्मान दिया जाएगा। कर्नाटक में 2.5 टन टमाटर से भरा ट्रक हाईजेक, टक्कर से कार का शीशा टूटा था, कार सवारों ने हर्जाना मांगा, नहीं मिला तो ट्रक ले गए।